सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हो जल्दी से कमेंट करो। तो गुरु लोग, बाहुबली के बाद से प्रभास का कैरियर एकदम डाउन चल रहा है। चाहे आप साहू ले लो या राधेश्याम या फिर आदिपुरुष का टीजर, लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं प्रभास की अपकमिंग फिल्म जिसकी लाइफ टाइम कलेक्शन में दंगल को भी पीछे छोड़ दे, क्या तुम भरोसा करोगे? अरे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी अपडेट लाया हूं जिसे सुनने के बाद तुम भी बोलोगे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो चलिए बताता हूँ प्रभास की आने वाली वो कौन सी फिल्म है और कैसे इतनी बड़ी रिकॉर्ड्स को बीट कर सकती है। पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से करना। तो गुरु लोग, प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष और सालार, इनका तो मुझे पता नहीं, यहाँ कलेक्शन बहुत ही अच्छा करेंगे, मगर दंगल का रिकॉर्ड तोड़ दें ऐसा शायद ही मुमकिन, क्योंकि बाहुबली 2 का इतना ज्यादा क्रेज होने के बावजूद भी वो भी दंगल के आसपास नहीं पहुंच पाई, बहुत पीछे रह गई, 300-400 करोड़ पीछे। जहां पर दंगल ने 2100 से 2200 करोड़ के बीच में कमाया था, वहीं पर बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ कमाए थे। तो बस इसीलिए आदि पुरुष के ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह ट्रोल हुआ है उस हिसाब से तो ये बहुत ही कम कलेक्शन करेगा। पर सालार के ऊपर भरोसा है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो दंगल का रिकॉर्ड तोड़ दे। हाँ, अच्छी खासी कलेक्शन जरूर करेगी। तो वो कौन सी फिल्म है जो दंगल का रिकॉर्ड बीट कर सकती है? तो वो फिल्म है स्पिरिट, जी हाँ, जिसके डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा। हाँ, ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये इन्होंने एक ही फिल्म हिट बनाई है और तुम इसको इतना बढ़ा चढ़ा बोल रहे हो दंगल का रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। रुको जरा, सबर करो, मैंने अभी इसकी अपडेट नहीं बताई है। अभी अपडेट बताऊंगा तो खुशी से मचला जाओगे। तो अपडेट ये है, पठान के जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने अपने ट्विटर में ट्वीट किया है कि स्पिरिट 8 languages में रिलीज होगी। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात है, ये जो 8 languages है इसके अंदर चाइनीज और जापानीज भी शामिल है। इसका मतलब ये है स्पिरिट जो है वो चाइना में भी रिलीज होगी। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़े से बड़ी फिल्म भी चाइना में रिलीज नहीं हो पाती है। और ये जो मैं दंगल का बात कर रहा हूँ, इसने सिर्फ और सिर्फ चाइना से ही 1200 करोड़ का बिजनेस किया था। तो सोचो स्पिरिट क्या कर सकती है। भाई देखो, बवाल तो होने वाला है, अगर ये फिल्म अच्छी बन गई तो दंगल इससे कहीं पीछे रह जाएगी। तो अब बताओ तुम इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं? तो अपना ओपिनियन कमेंट बताओ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, बाय बाय और गुड बाय।